ने इंडिया में मोटोरोला मोटो एम को लॉन्च कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में वो देखेंगे। मोटोरोला मोटो एम एक नई तरह की सीरीज़ है। मोटो ई सीरीज़, मोटो जी सीरीज़, मोटो एक्स सीरीज़ और मोटो जेड सीरीज़ के बारे में हमें पता है। जहाँ तक बात करें इसके फीचर्स की, यहाँ आपको मिलती है 5.5 इंचज़ की फुल HD डिस्प्ले। प्रोसेस है वो है मीडिया टेक का हीलियो P15 ऑक्टा कोर, और P10 और मोटो एम ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है। CPU को देखें तो यहाँ मिलती है ऑक्टा कोर CPU 2.5 GHz, जबकि P10 में थी 2 GHz की। GPU है वो है मालिका T860 MP2, जो P10 के बिल्कुल सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है 700 MHz से 800 MHz तक। यह एक बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा P10 के मुकाबले। जैसे देखें, यह है मोटो एम, इसको कुछ टाइम यूज़ करने के बाद मैं बता रहा हूँ। यह फ़ोन हमारे पास दो वेरिएंट्स में मिल जाएगा। पहला आता है हमारा 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, और दूसरा है 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तो ये देखते हैं कौन सा है। ये है अपने पास एक सिस्टम हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, ये है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। डिस्प्ले कैमरा देखें इसके, 8MP फ्रंट कैमरा और 16MP रियर कैमरा, ड्यूअल सिम सपोर्ट है। बात करें इसके बैटरी की तो ये है 3050mAh की, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसका रियर कैमरा है 16MP का, जिसमें 1 micron का पिक्सल साइज मिलता है, और साथ में PDF भी मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है कैमरा के नीचे, कैमरा के जस्ट नीचे दिया हुआ है फिंगरप्रिंट सेंसर। फ्रंट कैमरा है 8MP का, और 1.12 micron का पिक्सल साइज मिल जाता है अपन को। कैमरा देख क्वालिटी देखें अगर इसकी, तो कैमरा ये अपने एक कैमरा क्लियरिटी काफ़ी हद तक अच्छी है, खास नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक बहुत अच्छी क्लियरिटी दी है मोटोरोला मोटो एम ने। मोटोरोला मोटो जी 4 प्लस में कमाल ही कर दिया था, उसकी कैमरा क्वालिटी शानदार थी, लेकिन क्या मोटोरोला रेप्लिकेट कर पाएगा उस क्वालिटी को मोटो एम में। ये दो वेरिएंट्स में प्राइस हैं, जो 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ था उसकी प्राइस है 15,999, और जो दूसरा है अपने पास 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, वो है 17,999 का, 17,999। दोनों ही फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। मोटोरोला मोटो एम के की खास बात यह है कि उसकी पूरी बॉडी मेटल की है, जैसे अपने कई फ़ोन्स में मिल जाते हैं ऊपर का जो हिस्सा है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसमें टॉप टू एंड पूरा मेटल बॉडी है,